आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में सोच रही थी। ओह आई सी, तो ये बात है। ऐसा कब हुआ? क्या मतलब, क्या कब हुआ? वही जो अभी आप कह रही थी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हाँ वही वही। एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है माहौल की आलूदगी। अच्छा मिस ने, यार मुझे पता था आप तो मजाक भी समझती, जानता हूँ मैं चीजों को। इन्वायरो टेम्पल माहौल की आलूदगी। तो इस माहौल की आलूदगी के लिए मैंने अजीम शान कुर्बानी दी है, अब इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा क्या किया आपने, हमें भी तो पता चले। जनाब माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए मैंने उम्र भर गाड़ी नहीं खरीदी। तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह, खाते पीते घराने से ताल्लुक है मेरा, अभी बर्गर खाया और बोतल पिए। घटिया जो चले जो घटिया सही, लेकिन आप मुस्कुराई तो। मिस्टर आपको पता है कि एक लम्हे के लिए आपको दांत देखो ना तो मैं खाना पीना सब भूल आ जाऊ। झूठे। क्या होगा मिस्टर, आप सुनो सही। और ना ख्वाजा साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि हम अपने घर के सामने वाले प्लाट में कूड़े को आग लगा देते हैं, और शापर हम गटरों में फेंकते हैं, और तुम्हे वाली गाड़ियों पे सफर करते हैं, और हर बंदा मोटरसाइकिल और गाड़ी बेच के हवाई जहाज लेने के ख्वाब देख रहा है, ये कहना चाहते हैं? जी अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप सही सोचते हैं, और जनाब इसी का नाम तो जमहूरियत है। वैसे पाशा साहब, आपको नहीं लगता कि इस आलूदगी की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है? ख्वाजा साहब, बच्चों का मुस्तकबिल तो लोड शेडिंग की वजह से तारीख हो रहा है। वैसे हमारे मुल्क में इतनी गंदगी, इतना धुआं और मिट्टी है क्यों? अगर ये गंदगी, धुआं और मिट्टी एक्सपोर्ट हो सकता होता तो पाकिस्तान इस एक्सपोर्ट में पहली पोजीशन पे होता। और तो और, इसी गंदगी और गंदो गुबार की वजह से ही तो हमारे बाजारी खानों में लज्जत है। दीदी आप, वैसे आलूदगी की वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है। हमारा वो कैसे? वो देखे ना, आलूदगी की वजह से लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टरों का रोजगार चलता है, दवाइयां बिकती हैं, और जब वो मर जाते हैं तो कफन दफन और गोरकन का कारोबार चलता है, और थिएटर बंद होने की वजह से जमादारों की दाल रोटी चल रही है। दीदी यार, और तो और, वो जो करोड़ों रुपया जो बाहर से आता है आलूदगी खत्म करने के नाम पे, उससे सियासतदानों और करप्ट अफसरों की दाल रोटी भी चल रही है। यानी आलूदगी एक लानत और मसला नहीं बल्कि हमारे मुल्क के लिए एक नेमत और आमदनी का जरिया है। आज तो हशर ही हो गया। अकबर साहब, लगता है आपके घर में आज गैस नहीं आ रही थी, और गरीबन लकड़ियां जलाकर खाना पका कर आ रहे। जैन मेरे भाई, कौन से घर में गैस आ रही है आजकल? मेरी खाला के घर में गैस आ रही है। क्या फिट गैस आ रही है, कमाल प्रेशर और इतनी सस्ती। फिर तो आपकी खाला यकीन है इस्लामाबाद के किसी पौश इलाके में किसी वजीर के घर के साथ रहती होंगी। नहीं नहीं, मेरी खाला का घर जो है वो हमसाया मुल्क के शहर अमृतसर में है। तभी खैर, मेरा ये हाल आज यहाँ पे आते हुए रास्ते में हुआ। वो रास्ते में एहतजाज हो रहा था, सड़कों पे आवाम ने टायर जलाए हुए थे, और उसके नतीजे के अंदर पुलिस वाले जो थे वो लाठीचार्ज कर रहे थे और शेलिंग कर रहे थे। वैसे हमारी आवाम भी ना पोल्यूशन फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और पुलिस आंसू गैस ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे घरेलू सार्फिन घरेलू गैस। घरेलू गैस ने तो आवाम के आंसू निकाले हुए हैं, आंसू गैस की क्या जरूरत है? और सीएनजी, वो तो खून के आंसू निकालने पे तुली हुई है। अकबर साहब, आजकल अजीब किस्म की डकैतियां हो रही हैं। अभी पिछले दिनों हमारे घर के पास वाले सीएनजी स्टेशन पर डकैती पड़ गई। डाकू जो थे वो रात को वैन में बैठकर आए, सीएनजी स्टेशन खोला, गैस भरी और भाग गए। हाँ जी, महंगाई का तो ये आलम हो गया है कि खाने पीने की चीजें सोने और चांदी के भाव भी बिक रही है। अब देखें, पिछले दिनों एक चोरी हुई, चोर जो है उस घर से जेवरात नहीं लेके गए, वो आटे और चीनी की बोरियां ले गए। अकबर साहब, आप तो मीडिया में हैं, और हमारे मुल्क में हर किस्म की पोल्यूशन पाई जाती है, गंदगी, फुजलात, धुआं, और यहाँ तक के नॉइज पोल्यूशन भी। क्या एक महजब मुआशरे की यही पहचान है? जैन साहब, आप हमारे मुआशरे को महजब कह रहे हैं? मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। वैसे आज के मेहमान अभी तक नहीं आए, और मिस नायाब भी नहीं आई। लो जी, कुछ और ही मांग लेते। वो देखे मिस नायाब इधर ही आ रहे। जी हजरात, तो प्लीज गेस करें हमारी आज की मेहमान को। ये वो हैं जो हमारी गलियों की सफाई की जामिन है।
यकीनन ट्रिपल या ट्रिपल ताकत वाला वॉशिंग पाउडर होगा। नहीं जी, 150 लीमू की ताकत वाला महंगा तरीन डिश वॉशिंग साबुन। महंगा तो होना ही है, 200 रुपए किलो तो लीमू ही होंगे। यकीनन झाड़ू या वाइपर साहब आ रहे हैं। कभी तो सीरियस बात कर लिया करो। फिर डेंगू मच्छर को मारने वाला स्प्रे होगा। मैंने पूछ लिया, यकीनन गटर का ढक्कन या कूड़ेदान आ रहे होंगे। दीजिए हाथ। हद होती है नलायकी की। हमारी आज की मेहमान वो हैं जो हमारे मुल्क की गलियों और सड़कों की सफाई की जामिन है। तो प्लीज वेलकम जमादारनी मासी सोरा। वैसे अगर जमादारनी बुलानी थी तो मेरी फुफो को बुला लेते। वो गांव में जमान स्लिप होगी। है रे बाबू, तुम तो ऐसे शर्मिंदा हो रहे हो जैसे मासी को इंसान ही नहीं आती। एक झाड़ू सिर पे मारा ना तो कंट कौन आ जाएगी। हाँ। मासी सुगरा, आप प्लीज गुस्से ना हो और आप अकबर और जैन साहब के पास तशरीफ रखें। शुक्रिया। और आप गेस करें हमारे दूसरे मेहमान को। ये वो हैं जो इस मुल्क के पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं। वो ऑटो रिक्शे मवेशी पालने वाले जो अपनी भैंसे नहरों में छोड़ देते हैं। डीजल वाली गाड़ियाँ, कूड़ा जलाकर आग सेकने वाले, बैंड बाजे वाले जो जगह जगह शोर करते फिरते हैं। बस बस बस, अब मजीद कोई बोंगी नहीं मारेगा। हमारे मेहमान 10 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। तो प्लीज वेलकम बाबर बट साहेब। वेलकम जी, वेलकम। सत्य कारण है बाबर साहब, आप प्लीज ख्वाजा पाशा साहब के पास तशरीफ रखें। जी जरूर। नौमी, नौमी, नौमी के बच्चे। जी अम्मी जी। सॉरी जी, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आओ। जनाब बाबर भट्ट साहब, आपकी 10 अदद फैक्ट्रियां हैं, आप तो अरबपति होंगे। ओ होली बोले जनाब, अभी तो मेरा NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर भी नहीं बना। क्या, फिर तो जनाब का शनाख्ती कार्ड भी अभी नहीं बना होगा। वो तो दो दो बना लिए, वो तो सालों पहले बन गया था। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सत्य ही हैरान है। भट्ट साहब, आपको पता है कि आपको इधर किस लिए इन्वाइट किया गया? और जनाब हम फैक्ट्री ओनर हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मुल्क की तरक्की के अहम सतून है, बस खराज तजीन पेश करने के लिए बुलाया गया होगा। भट्ट साहब, आपकी मासूमियत देख के मेरा दिल करता है कि किसी दीवार में जाकर टक्कर मार दूं। आप शर्मिंदा तो ना करें, वैसे मेरी माँ भी मुझे यही कहती थी कि बब्बी पुत्र तू बहुत ही मासूम है। बाबर साहेब, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आपकी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और केमिकल माहौल को आलूदा नहीं बल्कि जहरीला बना रहा है। ओ सत्य है ना जी, ये सरासर झूठ है। और धुआं तो हम फजा में छोड़ देते हैं, बाकी रहा केमिकल वो साथ वाले नदी नालों में बहा देते हैं। और यही तो रोना है जनाब कि आपने केमिकल और जहरीला मवाद तलफ करने के लिए प्लांट क्यों नहीं लगाया। तो यूं कहिए ना कि एक और फैक्ट्री लगाने की बात करें। और ना जी ना, पहले 10 फैक्ट्रियां बड़ी मुश्किल से मार रहा हूँ, अब और इन्वेस्टमेंट करने का कोई इरादा नहीं मेरा। या अल्लाह हम पे रहम फरमा। अजी सयाने ठीक कहते हैं कि अगर दौलत और पैसा अकल से आना होता तो सारे बेवकूफ मरना चाहते। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज मिस नायाब एक जमादारनी की बजाय 2 बुलवा लेती तो अच्छा था। इन वो टेम्पल इन वर्टेम इन्वर्मेंटल। नौमी जी, जी जी, मिस नायाब हुक्म फरमाए। हाँ तो मैं कह रही थी कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो हमें खुद से कुछ स्टार्ट करना होगा। हाँ मिस नायाब, आपकी इस इंग्लिश का तो मैं फैन हो गया हूँ। मुझसे एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा और आपने उस जैसे 3 लफ्ज पर बोल दिए। कहाँ से ट्यूशन लेती हैं? शर्म नहीं मिस नायाब, आपकी परेशानी देख के मैं उदास हो जाता हूँ। आप मुझे बताएं क्या मसला है, हुक्म करें। अच्छा तो नर्सरी से मुझे एक प्लांट ला दो। मिस नायाब, अगर मैं आपको नहीं पसंद तो साफ साफ बता दीजिए, यूं मुझे रस्ते से हटाने की कोशिश मत कीजिए। व्हाट, मैंने आज तक एक मच्छर नहीं मारा और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही हूँ? माना कि तुम में और मच्छर में कोई खास फर्क नहीं है। यही तो मुझे आप कह रही कि नर्सरी जाके प्लांट ले आओ। आपको अच्छी तरह पता है जहाँ नर्सरी होगी वहाँ पौधे होंगे, जहाँ पौधे होंगे वहाँ मच्छर होंगे, और अगर उन मच्छरों में कोई भूला भटका डेंगू वाला मच्छर आ गया तो वहाँ से पौधों की बजाय मेरे लिए फूल लाने पड़ेंगे। उफ नौमी, तुम इतनी दूर की सोच भी कैसे सकते हो, और वो भी इतना मीनिंगलेस। मुझे सब पता है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। और जहाँ तक बात रही दूर तक सोचने की, तो मेरी स्कूल टीचर कहा करती थी कि
कि नौमी बेटा तुम्हारे चर्चे दूर दूर तक होंगे। अब याद आ रहा है कि वो कितना ठीक कहती थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मासी अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं झाड़ू उठा के नीचे रख दूं। हाय हट काका मुझे क्या आ रहा है, मेरे वालों पानी चौक के सिर पर रख लो। वैसे मासी जी क्या ये बात सच है कि आप लोग जो होते हैं वो गटर के ढक्कन चोरी करते हैं और फिर उन्हीं गटरों के अंदर शॉपर फंस जाते हैं और गटर बंद हो जाते हैं? और क्या ये सच है कि आप लोग घरों का कूड़ा निकाल कर खाली प्लॉटों में फेंककर उसे आग लगा देते हैं? और क्या ये भी बात सच है कि जो दौर फिटे मुंगे तो जागो मेरी भी सुन लो, बड़े सारे वकील बड़े फिरते हैं। देखो ना कि जितने की हमें तनख्वाह मिलती है इतने में तो एक दर्जन मासी चारू नहीं आते, तो हम गुजारा कैसे करें बताओ। मासी आपको पता है मेरा पिछले दिनों दूर का कजन गटर का ढक्कन खुला होने की वजह से मैन होल में जाके गिर गया। अफसोस हुआ, वैसे उसे देख के टालना चाहिए था ना, है ना। अच्छा मासी जी क्या आपको ये पता है कि ये आलूदगी क्या चीज है? हाँ बिल्कुल नहीं पता। शुक्रिया, किस तरह खत्म हो गया। वैसे अब आम को एक और बड़ी आम शिकायत है आपसे, आप हफ्ते में तीन तीन दिन गायब रहती हैं। हाय हाय, तो काका ये जो मल्ले के सियासी लीडर हैं ना, ये हमें अपने जलसे में बुला ले तो हम क्या इनकार करते। उस सियासी जलसों में जो खवातीन की बड़ी तादाद होती है वो जमादार नहीं होती है? नहीं नहीं, सारी नहीं होती, कुछ अस्तानियाँ होती है, कुछ दर्दने होती है, कुछ कागज को लगी होती है, कुछ पोलियो के कतरे बुलाने वाली होती है। बाबू देखे ना, 500 रुपए की बंदे की दिहाड़ी लग रही हो तो कौन छेगा। वैसे ये बातें सुन के ना भूख सी लग गई है ना। मिस नायाब भी नहीं आई। लो वो आ रही। हजरात आज का मेन्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। जाहिर है राइटर साहब ने टॉपिक के हवाले से ही कुछ जिक्र किया होगा, जैसे झाड़ू का सूप, मिट्टी, केमिकल और शोर का मटंजन। दीजिए ख्वाजा साहब, आप प्लीज मुझे बोलने देंगे। ओ मिस नायाब, आप प्लीज जल्दी से ये बताइए कि आज के मेन्यू में क्या क्या है। अरे बताने की क्या जरूरत है, और जो कुछ बना बस ले आइए आप। और भट्ट साहब हौसला रखें, हमें पता है कि खाने पीने के मामले में आपका कोई जोड़ नहीं है। अजी वैसे तो पूरा मुल्क ही खाने पीने में लगा हुआ है, इसका मतलब है सारे भट्ट हैं। दीदी आप, मेरा ख्याल है कि आज के मेन्यू की तरफ आते हैं। और इतनी देर में तो खाना भी आज ना था, जितने नखरे दिखा रहे हैं आप लोग। आज का मेन्यू है धुआं गोश्त, केमिकल वाले पराठे और शोर शराबे का रायता। वेलकम जी वेलकम, और लगता है इसके सारे लवाजमात की चीजें मेरी फैक्ट्री में से आई होगी। क्या प्राइस है इसकी? सिर्फ 2000 रूपए, और वो भी 3 लोगों की सर्विंग के साथ। 2000 रूपए? और मैं तुझे घर जाके खा लूंगा, बेगम इंतजार कर रही होगी। मेरा भी पेट कुछ खराब है तो। और जो कुछ लाना है सब कुछ मेरे खाते में ले आओ, लेकिन खुदा के वास्ते जल्दी ले आओ, अब तो जो पेट में चूहे दौड़े ना, दिल करता है वो ही निकाल के खा जाऊं। फिर तो मैं भी चख लूंगा। चूहे? तौबा तौबा बाबर साहेब, खाने की बात कर रहा हूँ मैं। ओ जी याद आया कि मेरी बेगम तो कार पे है ही नहीं, मैं भी थोड़ा सा चख लूंगा। ओके, मैं खाने का ऑर्डर लेकर आई। वैसे बाबर भट्ट साहेब, आपको आज तक किसी माहौलियाती इदारे के अफसर ने पूछा नहीं कि आपने रिसाइकलिंग प्लांट क्यों नहीं लगाया? और मुझे ये बताया साइकिल का प्लांट लगा के करना क्या है, और आज साइकिल चलाता कौन है? बच्चा चलना बाद में सीखता है, मोटरसाइकिल लेने की फरमाइश पहले करता है। लो जी हमारे कुदरती माहौल का अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ हाँ, आई मिस यू टू। अनिनी मैंने कोई बात नहीं सुनी, आप अपनी बात जारी रखें। तेरा क्या मतलब है, आप उन तेरी चाची से बात कर रहा है? अरे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तेरे को बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके। ओहो शेफ चाचा, अच्छा वैसे आपका आजकल खाने की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कभी खाने में नमक चाहिए तो कभी मिर्चे कम। अरे क्या बात कर रहा है, मैं खाना बना के सबसे पहले खुद पेट भर के खाता हूँ, ताकि कोई कमी बेशी हो तो मैं चेक कर लूँ। अच्छा अब पता चला कि खाना क्यों कम होता है। अभी जाके मैं मिस नायाब को जाता हूँ। अबे 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 आपस में कुछ डील बना लेते हैं ना। मैं यूं करूंगा, जब खाना खाऊंगा ना तो तेरे लिए भी एक प्लेट निकाल लिया करूंगा। डन। ठीक है। ओहो जो मैं बात करने आया था भूल ही गया, शायद अच्छा खाना तैयार है कि नहीं। तैयार है ना, ये पड़ा तेरे सामने, ले जा। बताया क्यों नहीं, नौकरी से निकलवाएंगे आप मुझे। चाचा इसमें से मेरी प्लेट निकाल ली है ना। अबे निकाल ली है ना, फोन कर लूं। हाँ करे। हेलो
हाँ मैं कह रहा था आई मिस यू टू। मैडम नियाब ये तुम्हारे कैफे में इतनी सफाई है, 10-12 जमादार तो काम करते ही होंगे। मासी अगर जमादार रखने से सफाई होती तो आज पूरा पाकिस्तान साफ ना होता। वैसे मासी अगर आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो क्या ऑनेस्टली काम करेंगे और माहौल को साफ सुथरा रखेंगे आप लोग? लो जी हम क्या समझते हैं इस तनख्वाह को, खुदा का शुक्र है जी मेरा तो अपना 10-12 हजार रूपए का कूड़ा ही बिक जाता है। गटरों के टक्कर वखरे दिखते हैं और कूड़े के शॉपर वखरे दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब से जुलूसों में हमारी बुकिंग दी होती है फिर सारे शॉपर इकट्ठे करके ना गटरों में भी फेंकते हैं। क्या आप लोग खुद गटर में शॉपर फेंकते हैं? तो और क्या, गटरों में शॉपर फेंकेंगे वो बंद होंगे तो सफाई के लिए हमें बुलाएंगे ना। मेरे बंदे ने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है सारे रोकने का गटर के अंदर उतर के 12 मिनट तक। अच्छा वाकई क्या नाम था उनका? अल्लाह देता मरहूम। मरहूम क्या मतलब? मतलब ये दीदी गटर के अंदर उतर के 12 मिनट तक सार रोकने के बाद कौन बार जिंदा आता है? वैसे मासी नौकरी देने से पहले आप लोगों की कोई ट्रेनिंग या तरबियत वगैरह होती है? ला मुझे तरबियत की क्या जरूरत है, है जी मेरा तो तजर्बा ही इतना है, मैं तो चलती झाड़ू देख के बता देती हूँ कि इसमें तिल्ले कितने हैं। वेरी गुड। वैसे आपको पता है कि पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है और गर्मी में इजाफा हो रहा है? पता नहीं थी ये क्या चीज है, मैं तो सारा बुखार कूड़ा इकट्ठा करके ना तो शॉपर प्लास्टिक सब जला देती हूँ। बाबर भट्ट साहब आपका कारोबार तो चल ही रहा है लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से अगर गर्मी बढ़ जाती है तो पहाड़ों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और आधी दुनिया सैलाब में डूब जाएगी? वेलकम जी वेलकम। और आपने बाबर भट्ट को इतना मासूम समझा है और अल्लाह का शुक्र है भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन एसी प्लांट सिर्फ बाबर भट्ट के घर लगा हुआ है और बाहर चाहे 100 डिग्री भी होना अंदर चिल्ली होता है चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए। और नहीं होती भाई, वैसे मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकता हूँ। बाबर भट्ट साहब क्या आपको मालूम है कि शोर भी एक आलूदगी है? जी यानी नॉइज पोल्यूशन। इसीलिए तो मैंने अपने कार और दफ्तर के बाहर साउंड प्रूफ शीशे लगवाए हुए हैं और मुझे बड़ी सख्त नफरत है भाई शोर से। अजी नौमी साहेब आप भी तो आवाम के नुमाइंदे हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हमारी हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, मैं तो कैफे का सारा कूड़ा करकट बड़ी एहतियात के साथ सामने वाले प्लॉट में फेंक के आता हूँ ताकि जमादार एहतियात से उसको आग लगाकर आलूदगी फैलाए। दीजिए आप भाई अगर सरकारी कूड़ेदान 1 मील के फासले पर है तो हम क्या करें, और हमारी तो छोड़े एक अस्पताल भी है करीब में, वो भी सारा कूड़ा करकट और फुजलात सामने वाले प्लॉट में ही फेंकते हैं। और तो और एक दिन मुझे वहाँ से इंसानी हाथ भी मिला है, यानी वहाँ फुजलात को तलफ करने का कोई सिस्टम नहीं? ये तो दूर की बात है, अगर कोई वबाई मर्ज फूट पड़े तो अस्पताल वाले उसी प्लॉट में मरीजों के बिस्तर बिछा देते हैं। पर साहब क्या आपको नहीं मालूम कि दुनिया भर में पाकिस्तान का क्या इमेज आ रहा है? और ये क्या बात कर दी आपने, अभी पिछले हफ्ते मैं लंदन में बिजनेस कम्युनिटी को स्पीच देकर आ रहा हूँ। है ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या कहा आपने उनसे? और मैंने कहा कि पाकिस्तान काब से शुरू होने वाली 2 चीजों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। माँ वो कौन सी? यकीनन खोते और कुत्ते, वो भी हमारा। दीजिए यार। शाबाश, यानी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले खोतों को हम एक्सपोर्ट कर दें? अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहा आपने वहाँ पे? और मैंने कहा कि पाकिस्तान में कोयला और कचरा अन्यवाह है, कोयले को जलाने की बजाय जमीन के नीचे तलब कर दिया जाता है और कचरे को तलब करने की बजाय जला दिया जाता है। वाह भाई वाह, क्या बात कही आपने। वैसे मुझे लगता है कि अलविदा का वक्त आ गया। मासी सोहरा और बाबर भट्ट साहब, उम्मीद है कि आपको हमारा कैफे और यहाँ का खाना बहुत पसंद आया होगा। हाँ जी मुझे तो इतना पसंद आया, मैं तो सोच रही हूँ यहाँ पे नौकरी कर लूँ। है जी गौर करे ना, जरा मुलाजा करें कि मैं चाडू कैसा लगाती हूँ, ये देखिए जरा। मासी आप प्लीज आराम से बैठे, अगर हमें जमा डालने की जरूरत हुई तो हम बता देंगे। जी हाँ मिस नयाब को भी हमने ऐसे ही रखा था। What? तुम्हारा मतलब है कि मैं जमादार नहीं हूँ? मिस नयाब मेरा ये मतलब नहीं था, राइटर ने लिखा यही था। राइटर की तो ऐसी की तैसी, आने तो दो इस कार्टून को। मेरा ख्याल है मिस नयाब कि अब अलविदा का वक्त आ गया है और हमें मजीद टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपने उसके बाद फिर सेट भी साफ करना, मेरा मतलब है कि पैकअप करना होगा। वेरी फाइन। वैसे अगर कोई मासी और बद साहब से कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जी जरूर,
बट साहब ये बताएं कि इस मुल्क की फलाह के लिए आपने कोई प्लान बनाया? और वेलकम जी वेलकम। और देखिए जी, इस मुल्क पर कर्जे पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना गंदा मंदा और आलूदा रहेगा उतनी इसे बैरूनी इमदाद मिलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि घरों का कूड़ा गली में फौरन बाहर निकाल के जला दिया करे। मेरा मासी से एक सवाल है, ये आजकल बांस वाला झाड़ू कितने रुपए किलो मिल रहा है? हाँ बाबू जी, क्या फिक्र ही ना करें, आप मुझे पैसे देना, एक नंबर झाड़ू ला के दूंगी आपको मैं, वो भी कड़े वाला। बिल्कुल मासी सुगरा जी, हमारी नौजवान नस्ल की जो काबिलियत और अहलियत है उनको कड़े वाला झाड़ू ही अच्छा लगेगा। नौमी, मुझे तो लगता है कि आज किसी काम की बात की उम्मीद नहीं है, तो अलविदाई मैसेज हम खुद ही दे देते हैं। बिल्कुल आप, तो आवाम का मेरा पैगाम ये है कि आलूदगी सिर्फ हमारा मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। बहुत सारी बीमारियों की वजह पोल्यूशन है, जैसे कि सांस और गले की बीमारियां, और बे इंतहा शोर हमें जहनी मरीज बनाता जाता है। अगर आने वाली नस्लों को ताज़ा हवा और अच्छा माहौल देना चाहिए तो नौमी हमें क्या करना चाहिए? इसका वाहिद हल सफाई और फजलात को रिसाइकिल करने में है। घर और गलियों को साफ रखें, पौधे लगाएं जी भर के, शोर बहुत कम करें, फैक्ट्रियों में रिसाइकिलिंग प्लांट लगाएं। और खुश रहें।